अग्रवाल समाज धार द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति ने अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा अग्रसेन चौक से प्रारंभ होकर धार नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः अग्रसेन चौक पहुंची। शोभा यात्रा के लिए समाज द्वारा धार शहर के पूरे शोभा यात्रा मार्ग पर कारपेट बिछाया गया व शोभा यात्रा में बैंड के पीछे महाराजा अग्रसेन के भजनों पर समाज के पुरुष महिलाएं बालिकाओं सहित पदाधिकारी बड़ी संख्या में चल रहे थे। शोभा यात्रा में हनुमान ध्वजा पताका के 40 ढोल द्वारा जिसमें महिलाएं भी ढोल वादन में शामिल थी उनकी शानदार प्रस्तुति दी गई जो पूरे नगर में चर्चा का विषय रहा। साथ ही महाराज अग्रसेन व लक्ष्मी जी की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह अग्रबंधुओं सहित कई संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत कर महाराज अग्रसेन का पूजन किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, समाज अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, अग्रसेन जयंती महोत्सव के संयोजक नवीन गर्ग, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अनंत अग्रवाल, सचिव अजय अग्रवाल, दीपेश बिंदल ने अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद समाज के पदाधिकारी एवं समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद गत वर्ष अग्रसेन जयंती से इस वर्ष अग्रसेन जयंती तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत समाज में हुई बालिकाओं व उनके माता पिता का सम्मान किया गया। साथ ही समाज में 9 दिन से चल रही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर समाज में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र एवं छात्राओं को भी सम्मानित कर अग्रवाल समाज अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति का सम्मान कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मंच संचालन राहुल अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, गौरव सांघी एवं मीना अग्रवाल द्वारा किया गया। अग्रसेन जयंती महोत्सव के सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार संयोजक नवीन गर्ग ने माना। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। Subscribe now to most exciting channel ever.